बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इस लेक्चर में हम देखते हैं मीन प्रोपोर्शन को। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि मीन प्रोपोर्शन क्या कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है तीन क्वांटिटीज हो, ए बी एंड सी, और ये तीन क्वांटिटीज आपस में कुछ इस तरह रिलेटेड हो कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, तो ये जो दरमियान वाले दो क्वांटिटीज है इसको हम कहेंगे मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है, इसको हम कहेंगे मीन प्रोपोर्शनल। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास तीन क्वांटिटीज है ए बी सी, और ए बी सी जो तीन क्वांटिटीज है ये अगर कुछ इस तरह रिलेटेड हो कि ए रेशो बी, ठीक है, प्रोपोर्शन बी रेशो सी, तो ये जो दरमियान वाला नंबर है जिसको हम वैसे भी मीन कहते हैं तो इसको हम कहेंगे मीन प्रोपोर्शनल। सो एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको देखते हैं, उसके पार्ट नंबर 1 और 2 को देखते हैं, जो कि कह रहे हैं पार्ट नंबर 1 कह रहे हैं कि 4 and 56 फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, सॉरी यहाँ पे आएगा मीन प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग। सो हमारे पास होगा पार्ट नंबर फर्स्ट है कि 4 and 56। सॉल्व करते हैं, हम कहेंगे कि लेट द मीन प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शन इक्वल टू एक्स। अगर एक्स हो तो मेरे पास तीन क्वांटिटीज जो है बेसिकली किस तरह होंगे, 4x and 56, ठीक है, क्योंकि हम मीन की बात कर रहे हैं, और इनका जो रिलेशन होगा वो किस तरह होगा, 4 ratio x proportion x ratio 56, ठीक है। नाउ जिस तरह हम स्टार्ट में कर रहे थे वैसे ही पिछले क्वेश्चंस की तरह कि रेशो को हम कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइड में 4 by x, और प्रोपोर्शन को डिवाइड कर लेंगे साइन ऑफ इक्वेलिटी में, हमारे पास आएगा x डिवाइडेड बाय 56। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब यह है कि जो इधर डिवाइड हो रहा है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो यहां पे डिवाइड हो रहा है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नाउ 4 multiplied by 56 equal to x multiplied by x, so 4 multiplied by 56 जो है वो equal होगा 4 by 56 जो है, 4 multiplied by 56 जो है वो बनेगा 224 equal to x multiplied by x is x square, और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि x square equal to 224। अब चूंकि हमने x find करना है और x के ऊपर square है तो हम लिखेंगे taking square root on both sides, जब दोनों साइड पे स्क्वेयर लेंगे तो हमारे पास होगा x square का square root, यानी लेफ्ट हैंड साइड का square root एंड राइट हैंड साइड का square root। नाउ हमारे पास यहाँ पे जो है square जो है वो square root को कैंसिल कर लेगा, लेकिन ये जो 224 नंबर है इसको हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स जो है वो फाइंड करते हैं, तो हम लिखेंगे 224, करते हैं इसको 2 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
6 is 56, 12, then 2 2 is 4, 2 8 is 16, 2 1s are 2, 2 4 is 8, then 2 7 is 14. तो मेरे पास क्या आ रहा है? 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2, ठीक है, आखिर में जो यहाँ पे 7 1s are 7 आ रहा है, ठीक है, multiplied by 7. So, इसके पेयर्स बनाते हैं. कितने पेयर बनेंगे इसके? हमारे पास इसके पेयर बनेंगे 1 2, मजीद जो है पेयर नहीं बन रहे. सो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि x इक्वल टू
प्लस माइनस इस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को भी हम 2 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह चूंकि यहाँ पे कोई पैर नहीं बन रहा है तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास आएगा 2 7 14। नाउ हमें पता है कि स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लेगा, तो ये जो 2 है ये अपने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लेगा और बाहर निकल जाएंगे। सो हमारे पास आएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा 14। सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 2 4 स्क्वायर रूट ऑफ 14, ठीक है। सो हेंस द मीन प्रोपोर्शनल इक्वल टू एक्स, और एक्स जो है वो किसके इक्वल हुआ, 4 स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 14, ये हमारे पास आंसर हुआ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर थ्री का, हाँ जो फोर्थ नंबर पार्ट नंबर 2 है उसको देखते हैं। हम लिखेंगे पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, सो हम लिखेंगे 10x6y² और उसके अलावा जो है 40x² y^4। सो अगेन इसको सॉल्व करना है हमने, सो हम लिखेंगे लेट द मीन प्रोपोर्शनल इक्वल टू, यहाँ पे चूंकि एक्स वाई यूज हुए हैं मैं यहाँ पे अगेन यूज कर रहा हूँ एम को, सॉरी। सो द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज सॉरी द मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू एम। अब जब मीन प्रोपोर्शन जो है वो एम के इक्वल हो तो जो 3 नंबर्स है वो कुछ किस तरह के फॉर्म में होंगे, 10x6y² उसके बाद एम एंड देन 40x² y^4 और उनके दरमियान जो रिलेशन होगा वो किस तरह होगा, 10x6y² m प्रोपोर्शन m रेशो 40x² y^4। नाउ रेशो को हम कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइड के फॉर्म में और जो प्रोपोर्शन है उसको साइन ऑफ इक्वलिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सो हमारे पास आएगा 10x6y² डिवाइडेड बाय m इक्वल टू m डिवाइडेड बाय 40x² y^4। नाउ अगेन हमें पता है कि हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, सो हम लिखेंगे बाय क्रॉस, थोड़ा सा मैं इसको सही कर लेता हूँ, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि 10x6y² मल्टीप्लाइड बाय 40x² y^4 इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय m। नाउ 10 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा इनको मल्टीप्लाई करना है, दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से उनको मल्टीप्लाई करना है, तो वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, सॉरी कांस्टेंट कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट के साथ। सो 10 40 क्या बन जाएगा, 400, ठीक है। इसी तरह x6 मल्टीप्लाई हो जाएगा x2 के साथ, x² के साथ, तो हमारे पास क्या होगा, x^8। इसी तरह y² जो है वो मल्टीप्लाई होगा y^4 के साथ, y^4, सो हमारे पास होगा y^6 इक्वल टू m बाय m इज m² और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि m² इक्वल टू 400 x^8 y^6। नाउ चूंकि हमने m फाइंड करना है और m के ऊपर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग
स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स. सो हमारे पास होगा एम स्क्वेयर लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वेयर रूट और यहाँ पे जो है राइट हैंड साइड का स्क्वेयर रूट. राइट हैंड साइड को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ. 400 है, 400 जो है वो 20 के स्क्वेयर के इक्वल है, ठीक है. इसी तरह x8 को मैं x4 का स्क्वेयर, यूनिट 4 2 से दोबारा क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा. और y6 को मैं लिखूंगा y3 का स्क्वेयर. क्यों स्क्वेयर के फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर रेडिकल है, स्क्वेयर रूट है, तो मैं ये आपस में क्या कर लेंगे, अपने स्क्वेयर जो है वो स्क्वेयर रूट को कैंसिल कर लेंगे, ठीक है. कैंसिल करने के बाद जो है हमारे पास बनेगा m इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ठीक है, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 20 x4 y क्यूब. ये हमारे पास क्या है, आंसर है. सो हम लिखेंगे हैंस द मीन प्रोपोर्शनल इक्वल टू m, और m जो है वो इक्वल है किस चीज के, प्लस माइनस 20 x4 y क्यूब, ठीक है.